Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के पहले का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव पूर्णिमा स्नान शुक्रवार को हुआ। मंदिर के भीतर ही करीब 300 लोगों की मौजूदगी में बनाए गए इस उत्सव के लिए अल सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर लाया गया। स्नान मंडप में करीब 170 पुजारियों ने भगवान को 108 घड़ों के सुगंधित जल से स्नान कराया। शुक्रवार शाम तक भगवान गर्भगृह से बाहर ही रहेंगे और फिर 15 दिन के लिए वे क्वारंटाइन यानी एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान भगवान को औषधियां और हल्का भोग ही लगेगा, तब तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। माना जाता है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा पानी से स्नान के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें एकांत में रखकर औषधियों का सेवन कराया जाता है। पूर्णिमा स्नान में शामिल होने वाले सभी 170 पुजारियों को भी 12 दिन पहले से ही कोरोना टेस्ट के बाद से होम क्वारंटाइन किया गया था। वे क्वारंटाइन से निकलकर सीधे मंदिर पहुंचे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और मंदिर के पुजारी श्याम महापात्रा के मुताबिक रात 12 बजे से भगवान के पूर्णिमा स्नान की तैयारियां शुरू हो गई थीं। भगवान की श्री प्रतिमाओं को गर्भगृह से स्नान मंडप में लाया गया। यहीं से सुबह वैदिक मंत्रों के साथ स्नान की विधि शुरू हुई। भगवान श्री जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा देवी को भी सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रों का जाप किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के पूर्णिमा स्नान के लिए मंदिर प्रांगण के उत्तर दिशा में मौजूद कुएं से पानी लिया जाता है। इस कुएं का पानी पूरे साल में सिर्फ एक बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर इस स्नान के लिए उपयोग में लिया जाता है। कुएं को साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है। बस एक दिन इस कुएं से पानी निकालकर इसे फिर से बंद कर दिया जाता है। कस्तूरी केसर जैसी औषधियों से स्नान के लिए जो 108 घड़ों में पानी भरा जाता है उनमें कई तरह की औषधियां मिलाई जाती हैं। कस्तूरी केसर चंदन जैसे सुगंधित द्रव्यों को पानी में मिलाकर पानी तैयार किया जाता है। सभी भगवानों के लिए घड़ों की संख्या भी निर्धारित है। मंदिर के प्रांगण में ही स्नान मंडप बनाया गया है। पहले यहाँ दर्शन के लिए हजारों लोग आते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते यहाँ धारा 144 लागू है। मंदिर से चैनलों पर लाइव दर्शन कराए जा रहे हैं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।